दोस्तों अगर आप भी भारतीय टीम की जीत से खुश हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों अफ्रीका के खिलाफ तीसरे T20 मैच में भारतीय टीम की ऐतिहासिक जीत और तिलक वर्मा की खतरनाक बल्लेबाजी देखकर केवल पूरा क्रिकेट जगत ही खुशी से नहीं झूम उठा, बल्कि खिलाड़ियों की पत्नियां भी प्रसन्न हो गई और फिर तारीफ के कसीदे पढ़ते हुए दिल जीत लेने वाला बड़ा बयान जारी कर दिया। तो आखिरकार रोहित शर्मा की पत्नी रितिका से लेकर अनुष्का शर्मा, यहां तक कि सूर्य कुमार यादव की पत्नी देविशा और संजू की पत्नी चारुलता ने क्या कुछ भारत की जीत पर दिया दिल जीत लेने वाला बयान, क्या कुछ इन सभी की पत्नियों ने कहा टीम इंडिया की अद्भुत जीत पर, वो हम आपको जरूर सुनवाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है तिलक वर्मा और सूर्य कुमार यादव में से कौन है सबसे खतरनाक बल्लेबाज, अपनी राय नीचे कमेंट करके जरूर दीजिएगा। दोस्तों भारत और साउथ अफ्रीका के बीच तीसरा T20 मुकाबला सेंचुरियन के मैदान पर खेला गया, लेकिन इस मुकाबले में कुछ ऐसा हुआ जिसे देखकर पूरा क्रिकेट जगत हक्का बक्का रह गया। जी हाँ दोस्तों, दोनों टीमों के बीच रोंगटे खड़े कर देने वाला अंतिम ओवर देखने को मिला, जहां पहले बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम ने अफ्रीका के सामने 20 ओवर में 219 रन का पहाड़ जैसा लक्ष्य खड़ा कर दिया। आपको बता दें तिलक वर्मा ने 51 गेंद का सामना करते हुए 7 गगनचुंबी छक्के और 8 चौकों की 107 रनों की तूफानी पारी खेली। वहीं अभिषेक शर्मा ने भी 50 रन जोड़े, जिसकी बदौलत टीम इंडिया ने अफ्रीका के सामने इतना बड़ा स्कोर खड़ा किया। इस लक्ष्य का पीछा करने उतरी अफ्रीकी टीम पहले से ही नर्वस हो गई। शुरुआत में ही अपने 4 बल्लेबाज केवल 84 रनों के स्कोर पर खो दिए। हेनरी क्लासन और मार्को जेंसन ने मिलकर मैच को पलटने की पूरी कोशिश की, लेकिन क्लासन टीम के लिए 41 रन बनाकर पवेलियन लौटे, मगर मार्को जॉनसन हार मानने को तैयार नहीं थे। भारतीय गेंदबाजों की जमकर कुटाई करते हुए मुकाबले को अंतिम ओवर में पहुंचा दिया। हर किसी की सातें थम चुकी थी, हर कोई भारत की जीत के लिए दुआ कर रहा था, लेकिन हर्षदीप सिंह ने हार नहीं मानी और टीम इंडिया को 11 रन से जीतकर स्वाद चखाया। और इसी जीत के साथ टीम इंडिया सीरीज में 2-1 से बढ़त हासिल कर ली। जहां एक तरफ टीम इंडिया की इस जीत के बाद गुणगान गाए जा रहे, वहीं दूसरी तरफ खिलाड़ियों की पत्नियां भी भारत की जीत पर तारीफों के कसीदे पढ़ रही थी। तो आखिरकार किन पत्नियों ने क्या कुछ कहा है भारत की तारीफ में, ये तो चलिए आपको सुनवाते हैं। भारत की जीत देखकर रोहित की पत्नी रितिका ने बयान देते हुए कहा, वाह हमारी युवा टीम की तारीफ करनी होगी, तिलक वर्मा ने जबरदस्त खेल दिखाया, मैं उनकी जितनी भी तारीफ करूँ कम है, उन्होंने अपने आप को हमेशा प्रूव किया है। आज का मुकाबला हमारी भारतीय टीम ने केवल तिलक वर्मा की वजह से ही जीता है, भारतीय टीम को जीत की बहुत बहुत बधाई। भारतीय अफ्रीका को उनके घर में घुसकर हराना आसान नहीं था, लेकिन हमारे युवा खिलाड़ियों ने कर दिखाया, मैं इस जीत से बेहद खुश हूं। वहीं कप्तान सूर्य कुमार यादव की भी दाद देनी होगी। वहीं संजू की पत्नी चारुलता ने बयान देते हुए कहा कि मैं टीम की जीत से बेहद खुश हूं, तिलक ने बेहतरीन प्रदर्शन किया, मैं उनकी बल्लेबाजी देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश हूं। एक समय ऐसा लग रहा था कि टीम इंडिया मुकाबला हार जाएगी, लेकिन हमारे बल्लेबाजों ने अचानक मैच को पलट दिया और गेंदबाजों ने भी पलट दिया। अब मुझे पूरा भरोसा है कि भारतीय टीम अफ्रीका में यह सीरीज जीतेगी, सभी खिलाड़ी शानदार फॉर्म में चल रहे हैं, हमारी टीम को हराना इतना आसान नहीं है, भारतीय टीम को जीत की बहुत बहुत बधाई। अनुष्का शर्मा ने भारत जीत पर कहा कि भारतीय युवा खिलाड़ियों ने क्या जबरदस्त खेल दिखाया है, अफ्रीका को उनके घर में घुसकर हराया, हमारी युवा टीम बेहद मजबूत है, हमारी टीम को कोई नहीं हरा सकता, मुझे अपने खिलाड़ियों पर पूरा भरोसा है, सूर्य कुमार यादव बेहतरीन कप्तानी कर रहे हैं, तिलक वर्मा ने लाजवाब प्रदर्शन किया, अर्शदीप और वरुण चक्रवर्ती की भी तारीफ करनी होगी, इन दोनों गेंदबाजों ने अकेले अफ्रीका के बल्लेबाजों को घुटनों पर ला दिया, भारतीय युवा टीम को जीत की बहुत बहुत बधाई, मुझे पूरा विश्वास है कि टीम ये सीरीज जरूर जीत कर वापस आएगी। सूर्य कुमार यादव की पत्नी देविशा ने भी बयान देते हुए कहा कि मुकाबला देखकर काफी मजा आया, मैं टीम की जीत से बेहद खुश हूं, टीम इंडिया को जीत की बहुत बहुत मैं सभी खिलाड़ियों ने अपना योगदान दिया, तिलक वर्मा की तारीफ करनी होगी, इस खिलाड़ी ने अकेले टीम के लिए रन बनाए, अफ्रीका को उनके घर में हराना आसान नहीं था, लेकिन टीम ने कर दिखाया, ये टीम बेहद मजबूत है, भारत को ये टीम ज़रूर अगला विश्व कप जिताएगी, मुझे पूरा विश्वास है। तो दोस्तों देखा आपने किस तरह से खिलाड़ियों की पत्नियां भी भारत की जीत से खुशी से झूम उठी और फिर तारीफ करने लगी। लेकिन दोस्तों अब आपको क्या लगता है सूर्य कुमार यादव और रोहित शर्मा में से बेहतर कप्तान कौन है, नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। और ऐसी तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।